नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। श्रद्धा हत्याकांड में अभी तक पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। वहीं इस बीच आज श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का पॉलीग्राफिक टेस्ट हो सकता है। बता दें कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पॉलीग्राफी टेस्ट को लेकर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बता दें कि आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट बुधवार को होना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते आफताब का टेस्ट नहीं हो पाया था और आज आफताब का पॉलीग्राफिक टेस्ट जारी है। यानी कि यहां पर कई बड़े राज खोले जा सकते हैं। देखिए, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। यहां पर आरोपी आफताब का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाता है और टेस्ट के दौरान कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि श्रद्धा की जो हत्या की गई है, किस तरीके से हत्या की गई थी, हत्या के दौरान क्या कुछ आफताब ने किया था, और साथ ही साथ ये भी सवाल पूछा जाएगा कि हत्या के दौरान आफताब के साथ कोई और भी मौजूद था या फिर नहीं। आफताब के परिवार के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि श्रद्धा की जिस तरीके से हत्या कर दी जाती है, 37 टुकड़े कर दिए जाते हैं, इस पूरे मामले को लेकर लगातार पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा है। आरोपी को फांसी देने की मांग की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच आज आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है, तो इस दौरान कई बड़े राज खोले जा सकते हैं और साथ ही साथ आरोपी पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां पर जो सवाल पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं उनसे एक बड़ा खुलासा हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धा की हत्या कर दी जाती है, हत्या करने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार एक इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि वह किसी व्यक्ति की या ये कहें किसी महिला की हत्या कर दे, वो भी 37 टुकड़े कर दिए जाएं। तो आज आरोपी का पॉलीग्राफी टेस्ट होना है, उसके बाद आरोपी का नार्को टेस्ट भी होगा। कोर्ट के आदेश के बाद, यानी कि कोर्ट की परमिशन के बाद आरोपी का नार्को टेस्ट भी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आज पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। तो इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। आखिरकार पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है, इन्हीं सवालों का हम जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ डॉक्टर नरेश चावला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने हमें कीमती समय दिया अपना। सबसे पहले डॉक्टर अमरनाथ जी, आप ही से सवाल रहेगा, आखिरकार पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है और साथ ही साथ इसे किस तरीके से किया जाता है? सर देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट जो है, इसको लाई डिटेक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। जी, इसे झूठ जो है पकड़ा जाता है, जैसा इस मशीन से हम टेस्टिंग करते हैं, तो इसमें जो भी पर्सन होता है उसमें डिफरेंट जो है सेंसर और सेंसर लगा होता है, और जब हम क्वेश्चंस करते हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं केस से रिलेटेड हम करते हैं, तो उस क्वेश्चन पे वो सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। यदि झूठ बोल रहा है या मन में कुछ है, तो घबराहट होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, पसीना छूटना, तो और श्वसन का तेज होना, सांस जो है जल्दी जल्दी लेना, तो ये सब चीजें उस जो है सेंसर जो है सेंस कर देता है और उसे जो है फॉल्स या ट्रू जो भी सिग्नल है वो हमें सिग्नल मिलता है। जी, देखिए, इसे सवालों की और आपने ये जिक्र जो किया यहाँ पर, देखिए अमरनाथ जी, आपने सवालों का यहाँ पर जिक्र किया, सवालों की जो शब्द जितने रहते हैं, यानी कि हम बात करें छोटे सवाल पूछ सकते हैं या फिर बड़े सवाल। देखिए, जो क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं, वो सिलेक्टेड होते हैं, लिमिटेड होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं। जी, कम से कम जो पर्सन है वो समझ पाए क्वेश्चन, ज्यादा पेचीदा क्वेश्चन भी बहुत बार समझने में दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन जो है केस से रिलेटेड होता है, उस वाक्या से रिलेटेड होता है, और वन बाई वन जो है हम उसको पूछते हैं। जरूरत होता है तो थोड़ा ब्रेक लेके मोमेंट करा के भी पूछते हैं। जी, तो डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करें, टेस्टिंग के दौरान क्या क्या सावधानी बरती जाती है, क्योंकि अगर टेस्टिंग के दौरान कुछ भी ऐसा हादसा हो जाता है, यानी कि मरीज को यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। सर, नंबर वन,
देखिए डॉक्टर साहब, शायद आपकी ऑडियो का कोई प्रॉब्लम, हम प्रयास करेंगे कोई अच्छे से ऑडियो आ जाए। देखिए मैं डॉक्टर अमरनाथ जी का रुख करूंगा। देखिए सर, अगर हम बात करते हैं व्यक्ति से जो सवाल पूछे जाते हैं, सवाल छोटे पूछे जाते हैं, लिमिटेशन होती है, लेकिन सावधानी क्या बरती जाती है इस दौरान? सावधानी, जो भी इथिक्स है उसको फॉलो किया जाता है, जो भी एथिकल चीजें हैं, प्रॉपर वे से क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल पोजीशन में बैठे हैं। सावधानियां यही है कि भाई अब लाइट डिटेक्शन है तो उसको करंट न लगे, ये सब चीजें होती हैं। जी और बहुत बार डर के मारे भी जो है बीपी बढ़ जाता है, घबराहट होने लगती है, ये सब प्रॉब्लम भी आता है। तो हम उसे नॉर्मल मतलब फील कराते हैं और नॉर्मल वे में क्वेश्चंस करते हैं कि मतलब आराम से वो जवाब दे पाए, पहले से ही डर के मारे जो ऐसा ना हो कि जवाब ना दे पाए। तो जी ये सब चीजें सावधानियां बरती जाती हैं, प्रॉपर स्टैंडर्ड जो है एसओपी फॉलो करते हुए लाइट डिटेक्शन या नार्को एनालिसिस होता है। जी देखिए बात करें सर, टेस्टिंग के दौरान क्या क्या यहाँ पर सावधानी बरती जाती है, और साथ ही साथ क्या टेस्टिंग के दौरान कोई दवाई या इंजेक्शन दिया जाता है? देखिए, लाइट डिटेक्शन के टेस्ट में कोई दवाई नहीं ली जाती है, जी जो लाइट डिटेक्शन के लिए टेस्ट होता है। लेकिन नार्को एनालिसिस जो है उसमें जो है दवाएं दी जाती है, एनेस्थीसिया दी जाती है, और उसमें सावधानी बरती जाती है कि पर्सन कोमा में मत जाए। एक तरह से कॉन्शियस वे में जो है हम लाइट डिटेक्शन करते हैं, और नार्को एनालिसिस जो है अनकॉन्शियस रहता है पर्सन, बट अचेता अवस्था में रहता है कि जो अपनी बात उस पे उसका दिमाग ना काम करे और जो क्वेश्चन पूछा जाए, जो बोल रहा है वो बोलता रहे, जी कंट्रोल ना करे, उसको कन्वर्ट ना करे, फॉल्स को जो है ट्रू ना बनाना चाहे। तो ये सब चीजें जो है हम उसमें देखते हैं, और पूरी रिकॉर्डिंग होती है, चाहे लाइट डिटेक्शन हो चाहे नार्को एनालिसिस हो, हर चीज का रिकॉर्ड बनता है, उसको री स्टडी किया जाता है और प्रॉपर जो है ओपिनियन और रिपोर्ट जो है बनाया जाता जी ठीक है, डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए चावला सर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्या वास्तव में सच का पता लगाया जा सकता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आरोपी होता है, यानी कि जिसका टेस्ट किया जाता है, वो झूठ भी बोलता है, यानी कि आरोपी कोई शातिर दिमाग अपना लगा सकता है सर। देखिए सर, शायद आपने म्यूट, एवर। जी, आवाज सर, आवाज। सुनिए, मैं बता दूं, फर्स्ट थिंग, इट इज ए लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल टेस्ट, इसको स्ट्रिक्टली अंडर कोर्ट ऑर्डर्स किया जाता है। नंबर वन, इट इज नॉट 100%। नंबर टू, इसको हमेशा स्पेशल लीगल कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस में किया जाता है। जी जैसे कि डॉक्टर अमरनाथ बता रहे थे, जो पॉलीग्राफ टेस्ट है उसमें कोई दवा नहीं दी जाती, जी लेकिन जो हम नार्को टेस्ट करते हैं उसमें बकायदा एनेस्थीसिया दिया जाता है। लेकिन कहने का मतलब पेशेंट का कॉन्शियस खत्म हो जाए, जी कॉन्शियस खत्म हो जाए कि वो इतने होश में झूठ ना बोल पाए, लेकिन जी इतना बेहोश भी ना हो जाए कि वो कुछ भी ना जवाब दे पाए। सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, टू द पॉइंट पूछे जाते हैं, जिसमें लंबा चौड़ा जवाब नहीं चाहिए होता, हाँ या ना में, और छोटे सेंटेंसेस में जवाब है। तो क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं। नो डाउट इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज ए एविडेंस इवन टूडे ऑल्सो। लेकिन जी आप कहेंगे फिर इसको किया क्यों जाता है? जी किया इसलिए जाता है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में इट इज ए रेयरस्ट ऑफ द रेयर केस, जो ये मर्डर हुआ है जिसमें कि आफताब ने इतना बुरा हाल किया है। जी तो इसलिए इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए इसको किया जाता है, ताकि कुछ तो पता चले क्यों। अब क्या है, उसने किया नहीं किया, नंबर वन, नंबर टू, साथ में कोई साथी था कि नहीं था, वजह क्या थी, वगैरह वगैरह। इट इज कंसिडर्ड एज द फाइनल टेस्ट, जो एक एविडेंस के रूप में एक आदमी दे सकता है। तो इसकी महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अलावा कोई और चॉइस ही नहीं है। तो जी इसको इस आफ्ताब में जो किया जा रहा है, इट विल बी द फाइनल टेस्ट, इसके बाद कोई शायद कोई चीज बचती नहीं है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अलावा, या दूसरे कोई एविडेंस दें, तो जी इसका महत्व बहुत ज्यादा हो जाता जी है। देखिए सर, नार्को टेस्ट की बात करें, नार्को और पॉलीग्राफी में अंतर क्या होता है आखिरकार? क्या पॉलीग्राफी नार्को का ही एक पार्ट होता है सर?
यस, पोलीग्राफी पोलीग्राफी इन ए वे इसे एक तरह से प्री टेस्ट है नाको का। जी नाको में तुम्हारा कॉन्शियसनेस नॉक ऑफ कर दी जाती है, तुम्हारे जी होश को खत्म कर दिया जाता है जी ताकि उसमें तुम झूठ बोल ही नहीं सकते। जी वेयर एज पोलीग्राफी में जब आप बोल रहे होते हैं तो देखा जाता है कि जिस टाइम आप ये कुछ बोल रहे हो सच या झूठ, उसमें कुछ खास किस्म की वेव्स दिमाग में हैं जो कि इलेक्ट्रोड से कैचअप की जाती हैं, उससे कुछ इंडिकेशंस मिलती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इट इज नॉट ए 100% टेस्ट एट जी ऑल, इट ओनली कैन प्रोवाइड सम क्ल्यू एटसेट्रा एटसेट्रा। जी ठीक है डॉक्टर अमरनाथ, मैं आपका रुख करूंगा। देखिए सर, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जब टेस्ट किया जाता है तो कितने घंटे तक इसे मरीज पर परखा जा सकता है? क्या कोई टाइम लिमिट होता है वहाँ पर? किसमें, पॉलीग्राफ में कि जी सर, नार्को में? पॉलीग्राफी की बात करें हम। देखिए पॉलीग्राफिक उसको बैठा के जो है पूरा सेटअप होता है, और जो भी जितने सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो जितना जल्दी कंप्लीट हो जाए उतना ही कर दिया जाता है। जरूरत होता है तो दूसरे दिन भी बुला सकते हैं जी या एक दिन में कंप्लीट करें, 2 दिन में। ये एक्सपर्ट के ऊपर डिसाइड करेगा, लेकिन ये है, यही हो सकता है कि वही क्वेश्चन हम पहले दिन भी पूछे, सेम दूसरे दिन पूछ के देखें कैसे तरीके अपने चेंज हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरनाथ आपका भी, और साथ ही साथ डॉक्टर नरेश चावला आपका भी। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को